ओके सो नाउ अभी हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, मतलब कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, और फिर हम आए वापस थोड़ा मुड़ के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। अब वापस हम आ रहे हैं अपने चैप्टर पर, ओके कौन सा? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, डन। ओके तो वापस आ रहे हैं, अब यहाँ पर हमें बैटरीज के बारे में समझना है, ओके किसके बारे में समझना है? बैटरीज के बारे में समझना है। सो ये कौन सी बैटरी है? ये वही बैटरी है, एक इसी तो बंद कर दिया है, दूसरा इसी में बंद। हाँ तो बैटरीज, तो ये कौन सी बैटरीज है? ये वही सारी बैटरीज है जो हम डेली लाइफ पे यूज करते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं वो हमें समझना है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, ओके एक होती है प्राइमरी बैटरीज और एक होती है सेकेंडरी बैटरीज, ओके सो सबसे पहले हम प्राइमरी बैटरीज के बारे में समझने वाले हैं। पहले बैटरी का जो भी इंट्रोडक्शन गिवन है वो पढ़ लेते हैं हम। तो देखो, एनी बैटरी एक्चुअली इट मे बी हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। कोई भी टाइप की बैटरी हो तो या तो एक सेल होगा या एक से ज्यादा सेल होंगे, और एक से ज्यादा सेल होंगे तो क्या होगा? कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज पैरेलल तो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे 10th में, ओके जैसे कि हमारी टॉर्च होती है तो वो एक ही सेल पे नहीं चलती, उसके अंदर एक दो तीन चार चार डाले हुए हो या दो हो या तीन हो, उतनी बैटरी से डाले तब जाके पावर आता है, डन। ये तो हमने देखा हुआ ही है कि एक बैटरी से नहीं चलता, क्यों? क्योंकि उसका बहुत कम वोल्टेज मिलता है, जो मिलता है हमें केमिकल एनर्जी अंदर हो रही है उससे जो वोल्टेज मिलता है वो कम है, कम है तो क्या किया हमने, भाई दो लाओ, भाई तीन लाओ, भाई चार लाओ, बढ़ाते जाओ, जितना ज्यादा लाइट चाहिए तुम्हें, जितना ज्यादा इल्यूमिनेशन चाहिए, ल्यूमिनेशन, ओके वो बढ़ाते जाओ। तो हम फिर क्या करेंगे, दो बैटरीज को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और भी कम पड़ रहा है, थ्री बैटरीज को क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करना मतलब क्या, हमने देखा था ना कि एक में करंट एंटर हो रहा है और फिर उसमें से बाहर निकल गया और तुरंत दूसरे में एंटर हो गया, तो वही तो कर रहे हैं हम कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो तो बैटरी ऐसे डाली, फिर दूसरी बैटरी भी वैसे ही डालते हैं ना कि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ऐसे जुड़ गया, उल्टा ऐसे डालते हैं क्या? कभी डालेंगे तो आएगा नहीं, बैटरी चलेगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, चलेगा नहीं, ओके तो वही चीज है। नाउ और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is basically a galvanic cell where chemical energy of the redox reaction is converted into the electrical energy. तो जो भी batteries हम use कर रहे हैं वो basically क्या है, हमारा galvanic cell और हमारा जो Daniell cell जो हम नाम बोल रहे हैं वही है हमारी ये batteries जो हम day to day life में use करते हैं, in watch, इनसे torch, remote, geyser, टॉय, ओके जो बैटरी ऑपरेटेड टॉय होते हैं, रिमोट वाली गाड़ी, ओके सब में हम जो बैटरी यूज करते हैं उसमें हम फंडा यही यूज करते हैं, क्या? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ओके चलो। हाँ, हाउएवर फॉर अ बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी रीजनेबली, अभी क्या क्या होना चाहिए बैटरी को यूज करने के लिए, क्या क्या होना चाहिए? इट शुड बी रीजनेबली लाइट, भाई लाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी होनी चाहिए नहीं, ओके हैवी होगी तो क्या होगा, मजा नहीं आएगी ना यार, मतलब जितना काम हमें एफिशिएंट करना है उतना, जैसे ऐसा समझो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं तो सोचो कि उसकी एक लिमिट होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, कि भाई इतनी स्पीड तक जा सकते हो। अभी कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, व्हीकल मतलब टू व्हीलर है जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सके? नहीं है, क्यों? दूसरे व्हीकल्स तो है पेट्रोल ऑपरेटेड, ओके जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सके, ये क्यों नहीं जा सके? भाई बैटरी का भी मास इतना ज्यादा है ना, बैटरी का मास, गाड़ी का मास और वापस ऊपर जो बैठा हुआ है उसका मास, इतना ज्यादा लेके वो छोटी सी बैटरी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही कि इतने लोगों को खींच के ले जाए, अंडरस्टूड? तो इसके लिए ही लाइट वेट होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए मतलब इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी हो, ओके और तुम्हें खुद ऐसा लगे ना कि यार बहुत ज्यादा हैवी है, अंडरस्टूड? जैसे इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन में भी हम बोलते हैं ना कि भाई लाइट वेट हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत लाइट वेट हो वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि वहां तो कंबशन होने वाला है
थिकनेस सही नहीं लगी तो फट भी जाएगा। हाँ क्या ट्रेन में तो उल्टा होता है क्या, जो डीजल वाले होते हैं पेट्रोल वाले होते हैं, मतलब पेट्रोल तो नहीं है, डीजल वाले जो होते हैं वो जो बैटरी वाले होते हैं उनसे तो स्लो चलते हैं। क्या स्लो चलते हैं? स्पीड में नहीं तो कहाँ स्लो चलते हैं? नहीं बैटरी वाली जो ट्रेन होती है उनके बैटरी वाली ट्रेन ही कहाँ होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है वो तो ऊपर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी होती है। पता है वो तो वेब से है, तो पेट्रोल वाली डीजल वाली होती है। नहीं नहीं बैटरी वाली ट्रेन मतलब कहाँ होती है बैटरी वाली ट्रेन? जापान में होती है। बैटरी वाली नहीं होती वो, दैट इज कंटिन्यू हमारी जो ट्रेन है कंटिन्यूअस उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रहा है उससे चलती है वो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फोन चार्ज कर दिया अभी ये फोन चल रहा है तो बैटरी पर चल रहा है, वैसे ट्रेन नहीं चलती कि एक बार हमने बैटरी चार्ज कर दी। नहीं अगर वैसे चलती तो उसकी स्पीड नहीं मिलती इतनी। ये जो हमारी ट्रेन की स्पीड मिल रही है उसको तुम सपोज बोलो, मुझे आई डोंट हैव आइडिया कि जापान में ऐसा है, बट अगर चलो कोई ऐसी ट्रेन है पूरी की पूरी ट्रेन, हाँ ट्रेन मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि अंदर कितने हजारों लोग बैठे होंगे, सैकड़ों लोग बैठे होंगे, उन सबको खींच के ले जाना और वो मतलब सबका मास इंक्लूड होगा प्लस प्लस प्लस, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो भी तो फिर वो छोटे, जैसे हम पता है हिल स्टेशन पे जाते हैं, तुम सापुतारा जाओ, आबू जाओ, ओके माथेरान जाओ, तो वहां पे ट्रेन होती है, तो हिल स्टेशन पे वैसे भी वैसे कहां इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जियोग्राफी ही वैसी है। तो उस केस में क्या करेंगे, या तो डीजल इंजन लगा देंगे या तो फिर इलेक्ट्रिकल बैटरी ऑपरेटेड लगा देंगे, तो होगा क्या, बहुत स्लो 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 जाएगी। लेकिन ओनली बैटरी ऑपरेटेड भी नहीं लगा सकते, ओनली बैटरी ऑपरेटेड लगाया बैटरी में कुछ माल फंक्शनिंग हो गया, गए पर्वत पर ही रुक गए ऐसे माउंटेन पे, ओके तो साथ साथ में डीजल इंजन होता ही है, होता ही है। अभी जैसे हाइब्रिड कार्स आ गई है तो तुम्हारी पेट्रोल पे भी चल रही है, एट द सेम टाइम अगर सही सही मिल रहा है उसको आउटपुट, तो इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड बोलते हैं इसे कार को, ओके हाइब्रिड मतलब दोनों, जैसे अभी हमारे पास है कि पेट्रोल पे भी चल रही है गाड़ी और सीएनजी पे भी चल रही है, तो ऐसी है ना ड्यूअल्स, तो वैसे ही अभी हाइब्रिड ईवी आ गई है। हाइब्रिड ईवी मतलब पेट्रोल पे भी चल रही है, एट द सेम टाइम किस पे चलेगी, इलेक्ट्रिक बैटरी पे भी चलेगी, तो जहां तक बैटरी चल रही है चल रही, बैटरी खत्म हो गई तो अरे कोई बात नहीं पेट्रोल तो है, लाइक दैट। तो उसकी स्पीड, वो जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होंगे उसकी स्पीड हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट जो प्रोवाइड करे उससे, या फिर हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को कंबशन करके हम जो स्पीड गेटिंग मतलब स्पीड जो मिल रही है हमें केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन करके उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें हमेशा कम ही मिलेगी हमेशा, शायद हो सकता है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सपोज ये हमारा फोन है, तो फोन तुम डायरेक्ट करंट से चार्ज करो और फोन तुम पावर बैंक से चार्ज करो, कहां से जल्दी हो जाएगा? डायरेक्ट करंट से जल्दी हो जाएगा, पावर बैंक से जल्दी नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो वही केस। हाँ चलो, सो कहां थे हम, ये बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो लाइट वेट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई इतनी बड़ी है कि व्हीकल जितना तो वो खुद ही है, ओके तो लाइट वेट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ओके एंड इट्स वाटर। इसीलिए तो यही कंसेप्ट कहां लगता है हमारा, जैसे कि हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं या फिर हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें देखो से जो बड़े बड़े इंजन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंबशन होता है, जैसे कि हम सीसी की बात नहीं कर रहे, ओके तो 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, 200, अरे बुलेट ले लो 350 सीसी, 500 सीसी, तो जितना सीसी बढ़ रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वो वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में कंबशन होगा, तो ज्यादा वॉल्यूम में कंबशन होगा तो ज्यादा पावर मिलेगा, ज्यादा पावर मिलेगा तो हूं करके तुम चले गए, ओके लेकिन साथ अभी फिर बुलेट तो जाएगी भागेगी, अब तुम कंपटीशन करवाओ रेस करवाओ कि भाई होंडा शाइन और बुलेट, तो बुलेट जीत जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उसका पावर ज्यादा है। लेकिन अगर तुम बोलो कि लाइट वेट कौन सी है, शाइन लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट कौन सी है, शाइन कॉम्पैक्ट है, ओके माइलेज वहां भी वो जीते, ओके एक चीज ज्यादा है इसमें क्या, पावर, ओके सो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी एप्लीकेशन क्या है, उसके बेस पे हमें चूज करना होता है। क्यों ये क्यों लाइट वेट क्यों नहीं है, देखो लाइट वेट नहीं है क्यों, क्योंकि इसका जो इंजन है 350 सीसी 500, तो वो इंजन को, इंजन का ही कितना मास है उसकी वजह से वो हैवी हो जाती है, 350
300 to 500 केजी वेट होता है एक बुलेट का, 300 kg to 500 kg वेट होता है एक बुलेट का, मतलब एक छोटा हाथी है ऐसा समझो, ओके, हाथी का बच्चा होता है उतना एक वेट होता है, अगर बुलेट चला रहे हो और गिरे गया अभी तो कुछ बुलेट नहीं, पहले भी बुलेट आ रही थी। हाँ यस, अभी की तो और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो अभी के तो और लाइट वेट करते जा रहे हैं, लाइट वेट करते जा रहे हैं अभी तो, हाँ नहीं तो पहले वाली जो बुलेट थी वो तो बहुत हैवी, बहुत हैवी, मतलब तुम्हारा अगर कहीं पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया गए तुम पंचर हो गया गए तुम, वो चालू भी नहीं होती तो पैसे माना पड़ता था, और कंटिन्यू किक ही होती थी, और किक में दम नहीं तो उतना नहीं हो, कितने लोगों का पैर टूट जाता था उसका। हाँ, और अब देखो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से सेल्फ स्टार्ट आ गया है, पहले नहीं था बुलेट में सेल्फ स्टार्ट, और अभी की लेटेस्ट बुलेट में तो अभी जो मैंने ली थी लास्ट ईयर किक निकाली थी, पहले तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट देते थे और किक देते थे कि शायद इलेक्ट्रिक स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ये वो, तो किक से स्टार्ट करेंगे, अब तो किक ही निकाल दी है, तो मैं तो कितना रिसर्च करने बैठ गया, मैं सोचू कि यार कभी कुछ हुआ किक है ही नहीं, गाड़ी चालू कैसे होगी, तो बोले कि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दिया है ऑलरेडी, रिसर्च कर दिया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और वो प्रॉब्लम सपोज आए तो भी सपोज 4 साल 5 साल में आए तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके, कि 4 साल 5 साल तक तुम कभी सर्विस ही ना करवाओ, और जैसे ही हम सर्विस करवाने जाते हैं तो सबसे पहले वो बैटरी के वोल्टेज एंड ऑल सब कुछ चेक कर लेते हैं, सो देट उनको पता चल जाता है कि कहीं पे कोई माल फंक्शनिंग होने की रेड प्रिपरेशन में, मतलब आगे भी फ्यूचर में भी होने वाला हो तो वो उसको चेंज कर देते हैं, ओके, सो दैट डिपेंड्स, ओके, कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज, जब यूज कर रहे हैं तब बहुत ज्यादा नहीं मिलना चाहिए कि अभी 5 वोल्ट मिल रहा है फिर 10 वोल्ट मिल रहा है, नहीं तो हमारा बोर्ड का जो हो रहा है वो हालत होगी कि भाई वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, स्टेबिलाइजर लगाया फिर भी देखो गवर्नमेंट से इतना कम आ रहा है कि स्टेबिलाइजर भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमें फैन बंद करना पड़ रहा है, हमें एसी बंद करना पड़ रहा है, ये सब हो रहा है, ओके, वो सब ना हो इसलिए क्या वोल्टेज इतना ज्यादा वेरी करना चाहिए नहीं, मानो चलो वेरी हो रहा है ठीक है, लेकिन भाई तुम 220 वोल्ट से डायरेक्ट 110 पे आ गए वो नहीं चलेगा, 220 से तुम 215 पे जाओ 200 पे जाओ फिर वापस आ जाओ 220 पे, इतना कम जाओगे तो होगा नहीं, अंडरस्टूड, तो ये एक मार्क में पूछा जा सकता है कि हाउ यू विल सिलेक्ट द बैटरी, अगर तुम्हारे हाथ में है बैटरी चूज करना, ओके, या तुम्हारे हाथ में है बैटरी डिजाइन करना या मैन्युफैक्चर करना, सो हाउ यू विल डू इट, तो ये मेन रीजन है, ओके, क्या एक तो उसका वेट कम होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और वोल्टेज वेरी करना चाहिए नहीं, जब यूज में हो तब, बाद में यूज में ना हो और वेरी करे, अभी हम रात को पढ़ते नहीं है बोर्ड पे, कितना भी वेरिएशन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन के टाइम पे अभी हम करें और ऐसा हो रहा है तो एसी बंद करना पड़ेगा, ये वो होते हैं प्रॉब्लम, ओके, तो वो नहीं होने चाहिए, अंडरस्टूड, देयर आर मेनली टू टाइप्स जो मैंने तुम्हें बताया, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डन, समझ में आ गया, चलो तो प्राइमरी बैटरी स्टार्ट करें, बहुत ही इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी बैटरीज, ओके, इन द प्राइमरी बैटरीज, ये वही बैटरी है जो हम अपने रिमोट में लगाते हैं या गीजर में लगाते हैं, बड़े बड़े सेल होते हैं ना उसको, तो इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर द यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, इसका नाम प्राइमरी बैटरी ही इसी वजह से गिवन है, क्या ये रीयूज नहीं हो सकती, एक बार तुमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया मतलब वो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है तो एग्जैक्ट उसके अंदर जो केमिकल है, अभी क्या क्या केमिकल है नोवल सब कुछ अभी हम देखेंगे, तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल जब तक यूज हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है तब तक चल रहा है, और जैसे ही केमिकल नहीं बचा अंदर तो वो सेल क्या हो गया डेड हो गया, अब उसको रीयूज किया जा सकता नहीं है, इसीलिए इसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी एडवांस लेवल की नहीं है ये, क्या है प्राइमरी बैटरी, जैसे कि हम ईवी में यूज करते हैं उसको हम प्राइमरी की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि उसको तो तुम रीयूज कर रहे हो, एक बार पूरी डिस्चार्ज कर दी फिर वापस तुम उसका ये देखो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके, तो समझ में आया, ओके, व्हीकल में जो ईवी में यूज करते हैं उसको हम प्राइमरी में, फोन में जो यूज करते हैं तो उसको हम प्राइमरी में नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे भाई, हम डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज करते हैं वो वापस वर्क करता है,
ये वाला तो गया, डन ओके चलो। अब क्या करे, क्या बंद करे यार, अच्छा चलो। सो पढ़ते हैं आगे। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस टाइप इज द ड्राई सेल। देखो इसका नाम क्या है, ड्राई सेल। एक्चुअली वो ड्राई नहीं होता, नाम है ड्राई सेल। ओके सो इसका नाम है ड्राई सेल, हम बोलते हैं नो लेस लैक्लांसे सेल आफ्टर द डिस्कवरर। मतलब लैक्लांसे ने ये फाइंड किया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई नाम बताओ, प्राइमरी सेल, लैक्लांसे सेल, ड्राई सेल, सबको एक ही है। ओके और ये लैक्लांसे ने ही ढूंढा था। विच इज यूज कॉमनली इन अवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स, तो सब जगह यूज होता ही है, हमने अभी डिस्कस किया। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एनोड एंड द कैथोड इज द कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय द पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। क्या है देखो, ये यहाँ पे बताया हुआ ही है, लेकिन फिर भी जो बताया हुआ है उससे हम थोड़ा सा अलग करने का ट्राई करते हैं। ये जो है ये पर्टिकुलर ये नीचे का पार्ट है, ये किसका होता है, हमारा जिंक का होता है। किसका होता है, जिंक का होता है। ओके और ये वर्क करता है एनोड, जैसे हमारा था वो ओके ZnZnO4CuCuSO4, तो ये क्या है, जिंक है। ओके ये क्या है, एनोड हमारा। ये साइड में क्या है, साइड में तुम स्टिकर लगाओगे और क्या भाई, ड्यूरासेल और फिर पैनासोनिक और वॉट एवर, ओके निपोन, एवरीडे, ओके एवर रेडी नहीं एवर रेडी, ओके तो वैसा स्टिकर लगाया हुआ आसपास, उसका कोई मतलब नहीं। चलो मतलब हमारे लिए अभी कोई मतलब नहीं। देन यहाँ बीच में होता है हमारा कैथोड, जो क्या होता है, कार्बन। क्या है हमारा, कार्बन कैथोड, और ये क्या है हमारा, एनोड। ये टच ना हो वैसे होता है, ये इसके साथ टच ना हो वैसे होता है। एंड यहां पर ये सब अंदर का है ना, यस ये सब अंदर का है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर है ना तुम्हारा जो वैक्स होता है ना, उससे इसको सील कर दिया जाता है। जो वैक्स होता है उससे ये बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, और थोड़ा सा पार्टी ऊपर रहता है, हमें दिखता है, वो भी कवर्ड होता है, वो कवर्ड होता है, नहीं तो वो तो चमकता हुआ होता है, कार्बन थोड़ी चमकता है वो कवर्ड होता है। ओके टर्मिनल बनाने है ना हमें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। अच्छा तो ये पर्टिकुलर ये कवरिंग बंद हो गया, मतलब ये किसका होता है, ये वैक्स मटेरियल होता है जिससे कि वो सील कर दे हम। ओके नाउ इसके अंदर देखो क्या भरा जाता है, MnO2 कार्बन ब्लैक एंड NH4Cl पेस्ट। ओके तो NH4Cl कार्बन ब्लैक के पेस्ट होती है, मतलब जनरली क्या होता है, यहां पर MnO2 एंड कार्बन। ओके एंड ये जो पार्ट है ये वाला, यहां पर क्या होता है, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। ओके तो उन्होंने ऐसे कॉमनली ही दिखा दिया है। देखो तो तुम ऐसे ऐसे ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे ही ड्रॉ करना है ना, ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे, 3D में है ये इमेज तो। ओके तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं हम, द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर, ये कंटेनर कौन सा है, जिंक का है। ओके दैट ऑल्सो एक्ट एज द एनोड एंड कैथोड इज द कार्बन और से ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाई द पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। तो ये क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का पाउडर है, वो वहां पे सराउंडेड है। ओके नाउ द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स की बीच की स्पेस इज फिल्ड विथ बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो यहां पर क्या है, एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का क्या है, पेस्ट है। यहां देखा पेस्ट है, मैंने बोला ना नाम है ड्राई सेल लेकिन ड्राई नहीं है, यहां पे बीच में क्या है, पेस्ट है। ओके लिक्विड टाइप, ओके पेस्ट मतलब पेस्ट, हमारा टूथपेस्ट होता है वो ना सॉलिड है और ना लिक्विड है, पेस्ट है। ओके बीच वाला, ओके डन। तो ये ऐसा होता है हमारा। नाउ
तो देखो इतना सब कुछ हमने लिख दिया, तो वो क्या लिखा, अरे भाई जो लेते हैं वही लिखा कि भाई जो बॉटम होता है मतलब जो कंटेनर होता है वो जिंक का होता है एंड इट वर्क्स एज द एनोड. देन वी आर टेकिंग वन रॉड विच इज ऑफ से कार्बन एंड इट वर्क्स एज द कैथोड. नाउ कैथोड का जो रॉड है उसके आसपास मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक का पाउडर भरा हुआ होता है सराउंडेड बाय, ऐसे इंग्लिश में तुम लिख लो ये फिगर, तुम याद रखो कंसेप्ट समझो तो वो सारे सेंटेंस बना पाओगे. उसके बाद का जो स्पेस है उसमें फिल किया जाता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन द सेंस पेस्ट. डन ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. नाउ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन हम लिख सकते हैं. एनोड पे क्या है, जिंक है, तो वहां पे ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या क्या हो जाएगा, Zn plus 2 and 2 electrons. Done? अब ये Zn plus 2 जो है वो Zn plus 2 कहां चले गए, इन लोग के पास चले गए, ये जो NH4Cl ZnCl2 है ना, तो Zn plus 2 कहां चले गए, यहां चले गए. और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं लेके आ गया यहां, और यहां पर है मेरा बल्ब. ओके ओके, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है Zn plus 2 तो इसके अंदर चले गए, और दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए एनोड पे से गए और कैथोड पे आ गए. हमारी रिएक्शन, दो इलेक्ट्रॉन गए और Cu के पास आ गए थे, यहां पर कार्बन के पास आ गए. डन, वही रिएक्शन है. सो यहां पर आ गए, जैसे ही आप देखो अभी एक इलेक्ट्रॉन यहां से पास हुए, मिल गया तुम्हें करंट, मिल गया. ओके अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो देखो आगे हम पढ़ते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है, MnO2 है, NH4+ है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बनेगा, MnO. देखो दो दो है यहां, कार्बन का पाउडर भी है और मैंगन, ये रॉड भी है हमारा कार्बन. अभी रॉड है वो तो एक इलेक्ट्रोड है, रॉड है दैट इज, मैंने बोला ना कि ग्रेफाइट रॉड हो, प्लेटिनम रॉड हो, तो उस वो कोई ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ किस लिए होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए. इसके पहले वाली थियरी में हमने देखा कि अगर वो जो हमारे प्रोडक्ट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. तो ग्रेफाइट लिया, कार्बन ग्रेफाइट लिया, प्लेटिनम लिया, ये सब क्या है, इनर्ट है, मतलब ये सब क्या है, नॉन रिएक्टिव है. तुमने गोल्ड ले लिया, ओके, तो वो लोग उनका कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया. अब यहां पर कौन है, MnO2 एंड कार्बन का पाउडर, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे. तो देखो MnO2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड NH4+ वो कहां है, यहां पे ही है NH4+, ये NH4+ Cl- और यहां पर भी Zn+2 और Cl-2. डन, दो है मतलब Cl-2 हो जाएगा, तो वो लोग वहां पर है, तो NH4+ यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बना क्या MnO2 में से, MnO OH एंड एमोनिया. अंडरस्टूड, ये रिएक्शन कहां हो रही है, कैथोड पे, मतलब यहां पर रिएक्शन हो रही है. ये इन द रिएक्शन एट कैथोड मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट टू द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेवेंथ में हम देख लिए थे पूरा रेडॉक्स रिएक्शन में. ओके तो क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे ऐसे भी मैं तुम्हें फटाफट कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो यहां पर क्या है, MnO2 है, MnO2, ऑक्सीजन का जनरली हम कितना लेते हैं, माइनस टू, माइनस टू मतलब टू टू से क्या हो गया, फोर, तो माइनस फोर हो गया, ऑक्सीजन माइनस फोर है तो Mn क्या टोटल जीरो है, तो वो प्लस फोर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या है प्लस फोर, वहां से बनता क्या है MnOOH, ये बन रहा है. OH का कितना होता है माइनस वन, O का कितना है माइनस टू, टोटल कितना हुआ माइनस थ्री, तो Mn का कितना हुआ प्लस थ्री, तो प्लस फोर में से प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस मतलब क्या रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो तो रिडक्शन, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस मतलब रिडक्शन हो रहा है, किसका, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, दैट्स इट. ओके तो तुम लिख सकते हो वैसे ये सेंटेंस भी, एमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द, एमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ है यहां पर वो कॉम्प्लेक्स बनाता है Zn plus 2 के साथ टू गिव द Zn NH3 फोर टाइम्स प्लस टू, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना. ओके जिसको हम लिगेंड बोलते हैं, यही साल मतलब दिस ईयर हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि लिगेंड करता क्या है. अभी के लिए समझो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है. ओके तुम सॉल्ट भी बोल सकते हो, बट सॉल्ट और इसमें थोड़ा जो डिफरेंस है इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम लिगेंड बोलते हैं.
तो यहाँ जो एमोनिया बना वो जिंक के साथ जुड़ जाएगा और ZnNH3+2 बना देगा. दिस सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट. तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1.5 वोल्ट. तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक की जगह 2, 3, 4 ले लेंगे हम और फिर उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. तो अगर तुमने अभी इस पे से भी एमसीक्यू पूछेंगे कि तुमने डाला हुआ है कितना, जैसे कि ये हमारा प्राइमरी सेल है ओके, और प्राइमरी सेल का एग्जांपल तुमने क्या लिया है, जिंक लिया है और कार्बन लिया है. तो तुम्हारा सेटअप जिंक और कार्बन वाला बैटरी तुमने लिया है. तो अब बताओ कि अगर मैंने टोटल फोर बैटरीज ली है तो मेरा ओवरऑल आउटपुट कितना होगा. तो 1.5 × 4, 6 वोल्ट ओवरऑल आउटपुट होगा. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए. एमसीक्यू में ऐसा पूछेंगे, अरे ये सब दिया है अब ओवरऑल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा यार, पता ही नहीं चलेगा ये कंसेप्ट भूल गए तो वो तो तुम नहीं भूलोगे, हमने पढ़ लिया है. तो ये याद रखने की बात क्या है, इसका पोटेंशियल कितना मिलता है, 1.5 वोल्ट. अभी चार बोला है तो 1.5 × 4 तो 6 वोल्ट. अगर दो बोलते तो 3 वोल्ट, 3 बोलते तो 4.5 वोल्ट. डन. तो वैसे एमसीक्यू पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव. देखो मैं सारी थियोरी में जहां जहां भी एमसीक्यू उसके रिलेटेड आए तो मैं बताते जा रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. यही है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई हमारे पास अलग बुक नहीं है. एनसीईआरटी तुमने अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, तो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यही हो रही है बोर्ड के साथ साथ ओके. तो वो कुछ अलग मेंटालिटी मत रखना कि उसके लिए अलग बुक ये वो. हाँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ज्यादा करने पड़ेंगे ओके, दैट इज डिफरेंट. लेकिन कंसेप्ट तो यही है, कंसेप्ट यही है. वो तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है. वो तो जितने बनाने उतने बना सकते हो. तुम 10 प्रैक्टिस भी कर सकते हो, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, 1000 प्रैक्टिस कर सकते हो. तुम जितने चाहो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. लेकिन वो तो क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो यही है, यही कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं. अंडरस्टूड? तो कंसेप्ट अच्छे से समझते जाओ और साथ साथ में क्वेश्चन जहां से भी मिले वो सॉल्व करते जाओ. और समझ में ना आए ये सॉल्व कैसे किया तो देन यू कैन आस्क मी ओके. प्रैक्टिस करते जाओ. हाँ चलो, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. नाउ ये एक सेल हो गया हमारा, समझ में आ गया पक्का ओके. फिर से एक बार बता देता हूं, ये ऊपर जो हमने इंट्रो पढ़ा वो तो ठीक है. अब ये जो हमारा सेल है उसके अलग अलग नाम भी है, प्राइमरी सेल, ड्राई सेल ओके, लैक्लांसे सेल जिसने ढूंढा था उसके नाम पे से. तो क्या किया, क्या किया ये सेल में क्या किया, तो जो हमारा कंटेनर है ओके, जो बॉटम पार्ट है वो जिंक का लिया है एंड इट वर्क्स एज दी एनोड. जो रॉड है हमारा जो कैथोड की तरह वर्क करेगा वो क्या लिया है हमने, कैथोड. अच्छा, फिर कैथोड के बाद कैथोड रॉड इज सराउंडेड बाय दी मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर. कार्बन का और मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर है. एंड उसके बाद पेस्ट है, किसकी पेस्ट है, एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड की पेस्ट है. डन. तो जैसे ही हमने स्विच ऑन की, तो स्विच ऑन की जैसे ही हमने स्विच ऑन की मतलब यहाँ तो स्विच ऑन करने ही नहीं है ओके, यहाँ तो फिर कनेक्शन करना है ओके. तो जैसे ही हमने कनेक्शन कर दिया, एक का कनेक्शन दूसरे के साथ, मतलब ऐसा समझो ये टर्मिनल अभी जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे ही जोड़ दिया मतलब क्या, सर्किट कंप्लीटेड ओके. तो जैसे ही जोड़ दिया, इसीलिए तो एक बार तुमने ऐसा समझो कि ऊपर कैप आता है, बैटरी के ऊपर कैप आता है, वो कैप हटा दिया और तुमने एक बार यूज करना स्टार्ट कर दिया बैटरी को. अब तुम बैटरी को यूज करो या ना करो, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई. अब तुम सोचोगे कि सर अभी हम टॉर्च तो हमने ऑफ कर दी, तो अब तो हमें नहीं मिल रहा है आउटपुट ओके. तब भी केमिकल रिएक्शन होगी, थोड़ी बहुत तो केमिकल रिएक्शन होगी. क्यों? क्योंकि तुमने बंद कर दिया, मतलब तुमने यहां से स्विच ऑफ कर दिया. लो टर्मिनल, यहाँ स्विच रखी हुई है, यहाँ पे स्विच, तुमने ऐसे स्विच जो हम ऐसे करते हैं वो तुमने ऑफ कर दिया, खत्म भाई. यहाँ से ये ZN का ऑक्सीडेशन तो होगा ही, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही, यहाँ लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि तुमने बीच में बंद करके रखा हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है, ये ऑक्सीडेशन तो चालू हो गया है ओके. तो दैट्स व्हाई एक बार जिसने शुरू कर दिया मतलब यूज कर दिया, तो मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है ना. लेकिन बैटरी लाइफ जो पहले रहती, मतलब जो अनयूज्ड कंडीशन में रहती, मतलब तुम दुकान पे कैसे पड़े रहते हैं सेल, पड़े रहते हैं, फिर तब उसकी लाइफ कम नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो पड़े हुए हैं, उसको यूज किया
नहीं है, स्टार्टिंग ही हुई उसकी रिएक्शन। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो दुकान में पड़े पड़े उसकी लाइफ अगर एक साल की होगी, हमने एक बार यूज कर दिया या एक वीक यूज किया और वापस हमने भी दुकान वाले जैसे रख दिया, अब वो एक साल नहीं रहेगी। ओके, सपोज 8 मंथ की हो जाए, सपोज 9 मंथ की हो जाए, तो ये 1 मंथ कहाँ चला गया बीच में से? ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई थी ना, वहां चला गया। अंडरस्टूड? ये डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन। अच्छा, तो ये हमने समझा, पूरा समझ में आ गया। ओके, तो होगा क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ऊपर गए, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और किसको पास कर दिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड को पास कर लिए। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड वो इलेक्ट्रॉन लेगा और NH4Cl में से NH4 आ जाएगा, NH4+। ओके, तो NH4+ और Cl-, तो NH4+ MnO2 n इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां पर क्या हो गया, उनका रिडक्शन हो गया, तो बनेगा क्या, MnOOH और बाकी जो हमारा यहाँ पे MnOOH और एमोनिया अलग मिल रहा था वो अलग। ओके, अब होगा क्या कि MnO और OH तो बन गया और एमोनिया बन गया, तो इसका क्या हुआ ZnCl2 का, यहां से भी वो एक लिगेंड बना देगा, लिगेंड ना बोलो तो हम क्या बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देगा। ये जो एमोनिया बना है ना, ये यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किस किस ने ले लिया, मतलब MnO2 कार्बन इलेक्ट्रॉन और NH4+ MnO2 n इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन हो गया। तो मिला क्या तुम्हें, मिला तुम्हें MnO OH और एमोनिया। ये जो एमोनिया है, यहाँ जो मिला एमोनिया, ये जो एमोनिया है वो ये Zn+2 के साथ जुड़ जाएगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देगा, विच इज ZnNH3, एमोनिया वाला NH3+2। और यहाँ पे बाकी क्या रहा, तो यहाँ पर NH4 था, Cl था, ये Zn+2 Cl-2, तो वो तो जितना यूज होता जा रहा है, वो NH4+ यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस में यूज होता जा रहा है, और Zn+2 Cl-2, तो ये इसमें से जो Zn+2 निकला, ये Zn+2, मतलब देखो यहाँ पर से Zn+2 निकला है, वो Zn भी यूज हो रहा है, यहाँ जो ये जो Zn का बना हुआ है वो Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसका यूज हो रहा है। तो भले ही ये Zn+2 में Zn+2 ऐड होता जा रहा है, जब तक ये तुम्हारा पूरे Zn का ऑक्सीडेशन ना हो जाए तब तक तुम्हारी बैटरी चलेगी, उसके बाद चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, किसका होगा, ऑक्सीडेशन होने के लिए इलेक्ट्रोड पे तुम्हारा जो मेटल था वही खत्म हो गया। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द रिएक्शन। और तुम उसमें ऑक्सीडेशन भी नंबर से भी दिखा सकते हो कि स्टार्टिंग में उसका था MnO2+4 और फिर MnOOH में उसका Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो +4 में से +3 गए, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, दैट ऑल्सो यू कैन शो। अच्छा, अब यही डिट्टो यही दूसरा सेल, डिट्टो यही लेकिन दूसरा सेल की बात करते हैं, मतलब प्राइमरी सेल ही है, ओके, बट दूसरे सेल की बात करते हैं, दैट इज मर्क्यूरी सेल। ओके, क्या करे, कंटिन्यू करे या वैसे बुक में छोटा है बट समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या करे, मतलब समझने के लिए, अदरवाइज जो बुक में तो ऐसे दिख रहा है छोटा है, क्या करना है, उसने तो बोला तुम लोग भी चलो, अच्छा तुम्हारा भी है आज, अच्छा ठीक है, चलो कल करते हैं, कोई बात नहीं, कल टाइम पे आ जाना, हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास।